इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन रिफ्रेशिंग जूस रेसिपीज। हमारा पहला जूस है बीटरूट और कैरेट से बना एप्पल की मिठास से भरा एबीसी जूस। फिर बनाएंगे एक हरा भरा ग्लोरियस ग्रीन जूस, जिसके सिर्फ एक ग्लास में इतनी सारी सब्जियों के पोषण भरे हैं। और लास्ट में बनाएंगे अपना क्लीन कैरेट जूस, जिसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों जूसेस की खास बात यह है कि आप इन्हें सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं। आप शायद पूछे, इन जूसेस को कब लें? शाम की चाय या कॉफ़ी के बजाय इन न्यूट्रिशन से भरे जूसेस को ले सकते हैं। अगर आप सुबह हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद एनर्जी बूस्ट पाने के लिए इनको ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार कभी आप उपवास करना चाहें पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, तो इनको बदल बदल के ले सकते हैं। और अगली बार जब आपके घर में मेहमान आए तो साधारण चाय या कॉफ़ी की बजाय उनको ये जूसेस पिला सकते हैं। ध्यान रहे कि जो हम इस वीडियो में जूसेस बनाने वाले हैं वो सब नरिशिंग जूसेस हैं। डिटॉक्स के लिए बेस्ट है एश कार्ड जूस, जिसके बारे में हमने आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बताया है। तो आइए रेसिपीज शुरू करते हैं। इस वीडियो में दी सभी रेसिपीज 2 लोगों को सर्व करती है। सबसे पहले हम बनाएंगे एबीसी जूस, यानी एप्पल बीटरूट और कैरेट जूस। इस जूस के लिए आपको चाहिए 1 सेब, 2 मीडियम चुकंदर और 6 से 8 गाजर। सीजन के हिसाब से आप कोई भी गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जूस ऑरेंज और रेड दोनों गाजर से बहुत बढ़िया बनता है। और लास्ट में फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 1 छोटा अदरक का टुकड़ा। पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसे काट लेंगे ताकि वो आसानी से जूसर में डल सके। आपने कभी कटे हुए बीटरूट को अंदर से ध्यान से देखा है? बाहर से ये जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही खूबसूरत। मैं जब भी इस जूस को बनाती हूँ, हमेशा बीटरूट को देखकर सोचती हूँ कि माँ प्रकृति ने कैसे हर फल हर सब्जी को इतना सुंदर बनाया है। ऐसे ही सेब और गाजर को भी काट लें, फिर बस एक एक करके सभी को जूसर में डालें। ध्यान रहे कि ज़्यादा अदरक से हमारा जूस तीखा हो जाएगा और गले में लगने लगेगा, इसलिए छोटा सा अदरक का टुकड़ा ही डालें। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा ताजगी के लिए मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा जूसर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं एक स्लो प्रेस्ड जूसर। देखिए, जूसर 2 कैटेगरी के आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और स्लो प्रेस्ड। सेंट्रीफ्यूगल जूसर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं और इस गर्मी के संपर्क में आके कुछ पोषण तत्व खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक स्लो प्रेस्ड जूसर, जिसे हम कोल्ड प्रेस्ड जूसर भी कहते हैं, वो जूस को धीरे धीरे निकालता है, जिससे कि पोषण तत्व बने रहते हैं। पर इसकी ज़्यादा चिंता मत करें, आपके पास जो जूसर हो आप वो यूज़ करें। अगर जूसर नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, आप मिक्सी यूज़ कर सकते हैं। बस सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में डालकर पीस लें। थोड़े पानी की ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं। फिर एक पतले कॉटन के कपड़े की मदद से इस तरह जूस को निकाल लें। तो लीजिए, हो गया हमारा पावर पैक एबीसी जूस तैयार। ये एक बहुत ही अच्छा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है, जो आप योगा या एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, ये जूस सबको बहुत पसंद है। ध्यान रहे कि इसमें कोई नमक, चीनी, चाट मसाला बिल्कुल ना डालें। ऐसा करने से उसका सारा न्यूट्रिशन चला जाता है। एक और बात, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो इस जूस को प्लीज़ अवॉइड करें। उनके लिए हम आगे जाकर एक स्पेशल जूस शेयर करेंगे। सात्विक लाइफस्टाइल में हम जूसेस को पीते नहीं, बल्कि खाते हैं। नहीं समझे? हर सिप को अंदर लेने से पहले हम उसको 5 सेकंड के लिए मुंह में स्क्विश करते हैं, ताकि वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो सके। ऐसा करने से जब वो हमारे पेट में जाता है तो और आसानी से पच पाता है। अगर आप पूरे जूस को एक ही बार में गटक जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे जूस पर, ग्रीन जूस। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके मन में ग्रीन जूस का नाम सुनते ही कड़वा, नाक बंद कर देने वाला, ज़बरदस्ती पीने वाला जूस आता है? तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आज जो हम ग्रीन जूस बनाने वाले हैं वो कोई साधारण ग्रीन जूस नहीं है।
इसे हम कहते हैं ग्लोरियस ग्रीन जूस। ये सच में बहुत टेस्टी ग्रीन जूस है। इस जूस के एक ग्लास में आपको इतनी सारी सब्जियों के पोषण तत्व मिलते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज खीरे। खीरा ना हो तो आप एक छोटी घिया भी ले सकते हैं, और यदि आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो 3-4 सेलरी स्टॉक्स भी ले सकते हैं। फिर लेंगे 1 मुट्ठी भर पालक के पत्ते, 1/4 कप ताज़े पुदीने के पत्ते, 2 मीडियम साइज सेब, आप उसकी जगह नाशपाती भी ले सकते हैं, और लास्ट में 1 छोटा अदरक का टुकड़ा। सभी इंग्रेडिएंट्स को रफली काट लें। कोई भी जूस बनाते वक्त कोशिश करें 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करें, मतलब सब्जियां 80% होनी चाहिए और फल 20%। ज़्यादा फलों वाला जूस उनके लिए अच्छा होता है जो वेट गेन करना चाहते हैं। अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं या वेट कम करना चाहते हैं तो इस 80-20 प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करें। सबको काटने के बाद इन्हें जूसर में डालें। मुझे पर्सनली पुदीना बहुत पसंद है, ये हर जूस को और टेस्टी बना देता है। ये ध्यान रखें कि पालक और पुदीने को अपनी रस वाली सब्जियों के बीच बीच में डालें। ऐसा करने से आपका जूसर ज़्यादा अच्छे से चलता है। ऐसा ना करें कि सारा पालक एक ही बार में डाल दिया और पता चला आपका जूसर ही अटक गया। आप चाहे तो खीरे को छिलके के साथ भी डाल सकते हैं। अगर आप ये जूस बनाने के लिए मिक्सी इस्तेमाल कर रहे हो तो मिक्सी में सबसे पहले खीरा डालें ताकि बाकी सब्जियां आसानी से मिक्स हो सके। क्योंकि खीरे में ऑलरेडी इतना पानी होता है, इस जूस में आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस लास्ट में इसमें थोड़ा सा नींबू डालें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ करीब 1 टीस्पून। इससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो चलिए, हमारा ग्लोरियस ग्रीन जूस भी हो गया तैयार। कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इसमें पालक डाला है। एप्पल की वजह से एकदम मीठा मीठा टेस्ट करता है। अब बारी आती है हमारे आखिरी और सबसे स्पेशल जूस की, क्लीन कैरेट जूस। इस जूस को बनाते वक्त पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सनसेट की याद आ जाती है। आई थिंक दिस जूस इज लाइक सनसेट इन अ ग्लास। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज कैरेट। मौसम के हिसाब से आप ऑरेंज या लाल कोई भी गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 संतरे या कीनू, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और 3 कप कटा हुआ पपीता, जो कि है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इससे पहले कभी आपने पपीते का जूस पिया है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको पिलाते हैं। हमेशा के जैसे पहले अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को काट ले। ये जूस सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसकी सारी सामग्री सर्दियों के महीनों में आती है। संतरे की फ्रूटी खुशबू, गाजर का चमकदार रंग, पपीते की क्रीमीनेस, इस जूस को बनाने में मुझे तो बहुत मजा आता है। अब बस हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को जूसर में डाल देंगे। अगर आप मिक्सी यूज कर रहे हैं तो संतरे के बीज जरूर निकाल लें, वरना आपका जूस कड़वा टेस्ट करेगा। पपीता इस जूस को हल्का सा गाढ़ापन देता है, जिससे कि ये बहुत फिलिंग जूस बन जाता है। हमारा जिस दिन ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाने का मन नहीं करता, हम कभी कभी ये जूस ले लेते हैं। चलिए, जूसेस तो हमने बना लिए, पर अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस बचे हुए फाइबर और रफेज का क्या करें। आप इसको अपने प्लांट्स में कॉम्पोस्ट की तरह डाल सकते हैं या फिर बॉडी स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बचे हुए फाइबर को कैसे यूज करते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और हाँ, जब आप ये जूसेस बनाएं तो उनकी फोटो जरूर लें और उसको इंस्टाग्राम पे शेयर करके हमें जरूर टैग करें, ताकि हम आपकी फोटो और बहुत लोगों के साथ शेयर कर पाएं। और अगर आप ऐसी और बहुत सारी रेसिपीज जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से सात्विक फूड बुक आज ही ऑर्डर करें। इसमें आपको मिलेगी सूप, सैलेड्स और मेन कोर्स से लेकर स्मूदीज, आइसक्रीम्स और डिजर्ट्स तक की सात्विक रेसिपीज। और अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें, जो हर सैटरडे होस्ट होती है, जिसमें आप इस लाइफस्टाइल की डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।